बापू जे छे एक वर्ष थी सतत उभा छे अने तेओ 12 वर्ष सुधी उभा रहेशे अने तेनुं कारण जे छे के सनातन धर्म माटे तेओ जे छे आजे उभा छे। हमारे को एक साल भर हो गया है, 12 साल की तपस्या है खड़े सरी, बस यही सनातन धर्म के लिए खड़े हैं, विश्व कल्याण के लिए, देन माता के लिए हमारे कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ है। अपनी आ भूमि सदा सती संत अने सूरानी भूमि रही छे ने आज भूमि छे ते संतोथी हमेशा उजड़ी रही छे ने आ भूमि मां जे छे संतोए पोताना जे तप थी आ भूमि ने सदा उजड़ी राखी छे। त्यारे हाल आपणे गीरनी भूमि मां छीए अने गीरनी भूमि मां अनेक संतो जे छे अहीं रहेता होय छे, पोतानो जे धूणी धखावीने बैठा छे ने गीरनी आ भूमि जे छे ते धूणी धखावीने बैठेला ते तप थी ते सत थी आજે પણ ઉજડી અને ઉચેરી છે। ત્યારે હાલ આપણી સાથે ખડેશ્વરી બાબા જોડાઈ ચૂક્યા છે, તો આવો તેમની સાથે જ સીધી વાત કરીએ વાત ગુજરાતી પર। बापू आप ऐसे ही खड़े रहते हैं, हमने देखा कितना टाइम से आप ऐसे ही खड़े हैं। हमारे को एक साल भर हो गया है, 12 साल की तपस्या है खड़े सरी की तपस्या। 12 साल तक आप ऐसे ही खड़े रहे, उसके पीछे क्या कारण है? बस यही सनातन धर्म के लिए खड़े हैं, विश्व कल्याण के लिए, देन माता के लिए हमारे कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ है। कर्म कर रहे हैं, फल की इच्छा नहीं है, फल तो उसको ही पता ही है। हमारे को क्या चाहिए, संत को किसके लिए पैदा होता है? सनातन धर्म के लिए पैदा हुए हैं, विश्व कल्याण के लिए हैं। और बहुत अच्छा लगा इधर गिंडार में आके, बहुत आनंद ले रहे हैं यहाँ, बहुत लाभ हो यहाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा है गिंडार में आके। इसी क्या खास बात लगी बापू आपको यहाँ पर? यहाँ साक्षात दत्त भगवान बैठे हुए, उनके चरणों में भजन कर रहे हैं, इससे बड़ा क्या लाभ हो सकता है? बापू जे छे एक वर्ष थी सतत उभा छे ने तेओ 12 वर्ष સુધી ઊભા રહેશે અને તેનું કારણ જે છે કે સનાતન ધર્મ માટે તેઓ જે છે આજે ઊભા છે અને આ રીતે ઊભા રહેવાનું જે તેમને તપ છે તે સતત ચાલુ છે, અવિરત ચાલુ છે। ક્યા કહેંગે બાપુ આપકે જીવન કે બારે મે થોડા જાનના હે, આપ જીવન કે બારે મે ક્યા બતાઉંગા આપકો કે અભી આપકો સનાતન ધર્મ કા કેસા લગતા હે? अभी सनातन धर्म के कैसा क्या लगे, उसको जिसको सनातन धर्म के विषय में पता है उसको वो क्या बता सकता है आपको, उसका तो बंधन ही नहीं कर सकते हम। सनातन धर्म के लिए तो हम पूरा खड़ा ही है 24 घंटा। ऐसा क्या लगा बापू कि आपको सनातन धर्म के लिए ऐसा खड़ा रहना पड़ा, ऐसा क्या आपको? ये क्या हठ योग है, इसको हठ योग कहते हैं। कोई ऊर्ध्वान तपस्या करता है, कोई हठ योग करता है, मतलब कई प्रकार की साधना है। हमारे को अच्छा लगा, हठ योग कर रहे हैं, हमें गुरु लोगों ने भी करा, हम भी कर रहे हैं, तो अच्छा आनंद आ रहा है हमारे को। आपको दिक्कत नहीं होती? क्योंकि हमारे से तो खड़ा रहना भी, दो क्षण के लिए भी खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है, और आप ऐसे ही खड़े रहते, एक साल हो गया अभी, 12 साल आपको पूरा करने, आपको कभी दर्द नहीं होता? नहीं, कुछ नहीं होता। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है, सतगुरु महाराज का आसरा है और दत्त भगवान हमारे साथ हैं। सनातन धर्म विश्व कल्याण के लिए खड़े तो दर्द क्या करेगा, तो इससे आगे क्या कहेंगे हम आपको। बापू गिरनार, या गिरनार ऐसी भूमि है जहाँ सब साधु संत लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पे तप करते हैं, ऐसी क्या खास बात है कि गिरनार हमेशा साधु संत लोगों की पहली पसंद रही है? ये सदियों से होता आ रहा है, वैसे ही चलेगा, सदियों से हो रहा है ऐसा, कोई आजकल तो है ही नहीं कि नया। खास बात है, ये बात हमारे गुरु भाई से पूछिए, आप इनको पूछिए, बताएंगे आपको, इनसे पूछ लीजिए, बता देंगे आपको। और क्या कहेंगे बापू, आजकल तो सनातन धर्म को भी लोग ये ऐसी अनपशनप बातें करते रहते हैं, इसका क्या कारण लगता है आपको? कहने वाले कहते रहते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सनातन धर्म तो कोई आदिकाल से चलता आया है, कोई आजकल तो है ही नहीं। अभी बीच में कैरियर वाले बता रहे थे कि सनातन धर्म डेंगू मच्छर के जैसा, इसको साइड में रखो। सनातन धर्म कोई कल परसों नहीं, सत सनातन धर्म आदि काल से चलता है और चलेगा, इसको कोई मिटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, ना कोई मिटा सकता है। अलग बम का नारा है और चारों वर्ण हमारा है। बापू आजकल सनातन धर्म के लोग बातें करते हैं, लेकिन आज के युवाओं में आपको सनातन धर्म के बारे में क्या लगता है? युवाओं को कितनी जानकारी है सनातन धर्म की और उसमें कितनी जागरूकता है सनातन धर्म के लिए?
देखा जाए तो अभी सनातन धर्म चेतनी है और बहुत चेतन रहेगा और रह जाएगा, बहुत जल्दी होने वाला है। सनातन धर्म ही है और सनातन धर्म ही रहेगा। और आज के युवाओं को क्या उसके बारे में, उसके बारे में आपको क्या लगता है? अभी के युवा को क्या बता सकता, अभी का युवा तो सब जानते ही है, पढ़े लिखे इनको क्या बताना, इनको समझ जाना चाहिए और समझा देना चाहिए सबको। ये सब जिस दिन एक हो जाएंगे नया युवा, तो फिर जो चाहे वो कर सकते हैं अपन, तो ये एक ही नहीं हो रहे हैं। जिस दिन एक हो जाएगा उस दिन सारा काम हो जाएगा अपना सनातन धर्म में, कोई को भी नहीं रहेगी, परंतु एक ही नहीं हो रहे ना ये, हम चाहें कि एक हो जाए। जिस दिन एक हो जाएंगे ना ये, तो उस दिन हम हमेशा के लिए खड़े श्री तपस्या करेगा, हो ही रहे नहीं क्या करें, हमारे तो यही लक्ष्य है सभी एक हो जाए, फिर तो सभी की इच्छा। हमारा तो सनातन धर्म के लिए पैदा हुए, सनातन धर्म के लिए मिट जाएंगे, मिटा देंगे, बाकी इसको मिटाने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ है, सारे पैदा तो यहीं से हुए। कभी सोने में दिक्कत नहीं होती बापू, आप ऐसे ही खड़े रहते? कुछ नहीं होता है, मुझे दत्त भगवान का सहारा है। आपके जीवन के बारे में, पहले के जीवन के बारे में थोड़ा जानना है कि कैसा था और कब? जीवन में बारे में मुझे नहीं पता है। कब आपको, आपने ये निर्णय कब लिया और क्या आपको विचार आया कि आपने ये सब निर्णय लिया कि अब मैं खड़ा रहूँगा? लक्ष्य था अपने को खड़े श्री तपस्या करना है, खड़े श्री तपस्या कर रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है मेरे को, आनंद माँ आनंद पर आनंद, सदा आनंद में रहता हूँ मैं, मुझे किसी चीज़ की अवस्था नहीं है। सार्थ है तो भगवान का है और पूरा जगत विश्व कल्याण के लिए, अपने लिए तो कोई सार्थ ही नहीं है, कुछ चाहिए ही नहीं मेरे को, तो जो चाहिए उसने दे दिया मेरे को, क्या चाहिए इससे बड़ा और क्या चाहिए, मेरे को संत बना दिया परमात्मा। जय गिरनारी।